सीताफल का दूध है। हाँ, इसमें 1 किलो मलाई, 1 किलो क्रीम डाला हुआ है। अच्छा, सीताफल आइसक्रीम सीताफल है ना, सीताफल आइसक्रीम बन रही है। सीताफल के पीसेस भी डाले हैं, ये भी सीताफल डालेंगे, ये मलाई क्रीम डाला हुआ है, मलाई क्रीम है इसमें। अच्छा, चॉकलेट चिप्स 1 किलो मलाई और 1 किलो क्रीम डालना पड़ता है। बर्फ जैसी नहीं होती है। अच्छा, तो अभी इसको बंद करके अच्छे से जमाया जाएगा। नमक है ऐसा, जिससे जल्दी से ये ठंडी हो जाए। एकदम देसी मैदा है जो अंडे देना चाहिए। जम चुका है, बहुत सारा जम चुका है। सीताफल जिस चीज जो हिसाब से सीजन होता है उस हिसाब से आइसक्रीम बनता है, उसके हिसाब से फ्रूट बनाएगा, उसके हिसाब से आइसक्रीम। आइसक्रीम रेडी। ये सीताफल ये रेडी है। ऐसे डब्बे बना के हम लोग बैठक देते हैं। अच्छा, रुपये का डब्बा, 100 रुपये का डब्बा, 200 ग्राम, 4 स्कूप और 200 ग्राम आता है करीबन। बढ़िया, फ्रेश मिलेगी, पूरी फ्रेश मिलेगी। हो गया सीताफल आइसक्रीम, लाइव हमने देखा है पूरा बनते हुए। सीताफल के पीसेस इसमें आपको दिखने मिलेंगे। सीताफल आइसक्रीम, तो ये सारे जो डब्बे अभी आप भर रहे हैं ये आप फ्रिज में रख दोगे मतलब? हाँ। अच्छा, अरे संडे हमारा पूरा बाजार ऐसा लगता है। हाँ। पराठे। अच्छा, संडे के लिए आप अभी से आज ही पूरा बना देते हैं। ये तो एक साल भी रखोगे तो भी वांदा नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, ये आइसक्रीम आधे घंटा बाहर रख दोगे अभी जल्दी पिघलेगी। क्या बात कर रहे हैं आप, वैसे जो आपने मेहनत करी हुई है इसके पीछे वो तो भाई लाजवाब है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसमें करीबन कितना आइसक्रीम होगा, कितने डब्बे भरेंगे इसमें सर? ये हम लोग 12 लीटर दूध लेते हैं,
14 लीटर दूध लेते तो 10 किलो आइसक्रीम बनती है। 14 लीटर दूध में से 10 किलो आइसक्रीम बनती है, मतलब 10 लीटर की बनती है, 10 लीटर जैसा दूध हो जाता है। हाँ, 4 लीटर जल जाता है। अच्छा, चूल्हे पे चॉकलेट आइसक्रीम भी हमारा रेडी हो गया है। देखो तो इसका क्या प्राइस रहता है? सेम प्राइस। अच्छा, अपने वजन 1 किलो लोगे तो 450 रुपये किलो पड़ेगा। वैसे एक डब्बा लोगे तो 100 रुपये का हो जाएगा। बढ़िया। तो कुल्फी जो बोलते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो चोकोबार की तरह वो कुल्फी मिले जो लकड़ी वाली, इसको यहाँ पे कुल्फी बोलते हैं। अलग अलग फ्लेवर बनते हैं यहाँ पे, हमारी रमज़ान के अंदर है कम से कम 20-21 वेराइटी होती है। 20-21 वेराइटी, क्या क्या वेराइटी होती है उसमें यूनिक वाली? यूनिक अलग अलग, वो सब जैसे सीजन के हिसाब से। हाँ, ब्लूबेरी, दुरियान, अच्छा ये जामुन, ये सब बनाते हैं। अभी सिर्फ 10 वेराइटी बेचते हैं। काजू कतरी फ्लेवर भी है? काजू कतरी, काजू कतरी फ्लेवर, काजू कतरी में काजू कतरी डाल देते हैं। फिर दुरियान, दुरियान में क्या है उसका फल आता है वो बाहर देश से आता है। मंजरी भी सब बनाते हैं, वो रमजान में बनाते हैं। जी, अमेरिकन ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट हंगामा। तो किसी को यहाँ पे आना हो तो एक बार एड्रेस बता दीजिए ना। ये रांदेर 5 बत्ती चुनारवाड़ा मस्जिद के पास। अच्छा, चुनारवाड़ा मस्जिद के पास रांदेर 5 बत्ती। और आज हम आए हैं मोदन कुल्फी वाले भैया के पास। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही अगर आपको आइसक्रीम वगैरह खाना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्ट्रीट फूड वेंडर के साथ, उनकी स्टोरी के साथ, शायद आपके शहर में। तब तक के लिए बाय बाय। पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।